भारतवासियों की 500 वर्षों की प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा, अगर उसका आप देखेंगे तो पूरे देश भर में आज एक राममय माहौल हुआ। ये वातावरण जो है ये राम भक्तों के लिए, भारतीयों के लिए एक ऐसा है कि हर कोई अपनी ओर से कुछ ना कुछ सेवा भाव से कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अनुष्ठान रखने की बात कही और हम सब लोग भारतीय स्वच्छता अभियान मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, धामों में कर रहे हैं और जिसको जहां अवसर मिलता है जिस भाव से करना चाहता है कर रहा है। तो मैं भी नई दिल्ली के एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर हनुमान जी के मंदिर जहां मुझे वर्षों से आने का अवसर मिला, आज वहां स्वच्छता अभियान में एक बार फिर जुड़ने का अवसर मिला। मैं देशवासियों से भी कहना चाहता हूं, अपने आसपास का कोई भी धार्मिक स्थल, कोई भी धाम, कोई भी मंदिर है, आप उसकी स्वच्छता जरूर करें। और एक मेरा अनुभव यहां पर जो आया कि कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, जहां दिल करे वहीं फेंक जाते हैं, कृपया करके उसको कूड़ेदान में जरूर फेंकें। बहुत सारी जगह देखा गया कूड़ादान साथ में था लेकिन फिर भी जगह जगह कूड़ा फैलाया हुआ था। आप कुछ भी खाए पिए लेकिन कूड़ेदान में ही डालें, कूड़ेदान नहीं है तो अपने पास इकट्ठा करके सही जगह पर उसका कूड़ादान देख के वहाँ पे घर के पास या कहीं ऐसी जगह पे किया जाए। दूसरा मेरा निवेदन सबसे रहेगा कि भाईचारा, भक्तिभाव, ये दोनों को बढ़ाएं, प्यार बढ़े पूरे देश भर में, ऐसा हम सबका प्रयास है। सर, संजय राउत और दिग्विजय सिंह का कहना है कि मंदिर को जो है 3 किलोमीटर दूर उस स्थान पर नहीं बनाया जा रहा है जहाँ पे राम जन्मभूमि, दूर बनाया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि वहाँ पर सीधी बना रहे हैं, इसे राजनीतिक बना दिया है भाजपा और आरएसएस ने। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राम मंदिर बनना अभी भी पसंद नहीं आ रहा। किसी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दर्द हो रहा है, किसी को राम मंदिर के बनने से दर्द हो रहा है, किसी को अपनी राजनीति करने के लिए कोई ना कोई बयान देना है। मैं इतना ही कहूँगा कि टीका टिप्पणी बंद करें, बयानबाजी बंद करें। 500 वर्षों की प्रतिज्ञा और 500 वर्षों की प्रतीक्षा, इन दोनों को ही बाद आज देश में भव्य राम मंदिर बना, जिसको देखने के लिए देश और दुनिया के करोड़ों लोग आने वाले वर्षों में आएंगे। एक बार 22 तारीख का बड़ा भव्य कार्यक्रम हो जाए उसके बाद देश के भक्तों के लिए राम मंदिर के द्वार भी खुलने वाले हैं। आप आइए, बड़ी संख्या में ट्रेनें चलेंगी, बाकी सब कुछ होगा। मेरा केवल इतना है कि आइए तब तक 22 तारीख तक हम सब लोग अपनी ओर से स्वच्छता अभियान चलें, एक भक्त के नाते मंदिरों की सफाई करें।